उस साइड से देखने के लिए भेजो किसी को। अंधेरा मत करो, अंधेरा मत करो, भागना रे घुसा रे आज खटा रे ओका लो 24 मिनट जंदर है। वो नीचे निकालते हैं अब। चलो हाँ एक हाँ अभी बैठा गया पहले साफ कर लिया। सर जैसा कि आज जानकारी मिला था नगरदा कुर्दा करके एक गांव है जो हमारे कोरबा जिले से करीबन 50 किलोमीटर दूर है और ये जांजगीर चांपा जिला है और यहाँ एक परिवार है जो काफ़ी लंबे समय से उनके घर पे सांप निकलने की सूचना मिल रही थी और वो काफ़ी लंब डरे हुए थे तो उनके कुछ रिलेटिव उनके परिवार वाले हमारे कोरबा भी रहते हैं उनके माध्यम से मुझे सूचना मिली और सूचना के उपरांत मैंने उनको बोला कि भाई सांप को भी फिलहाल किसी प्रकार का उसको मारना नहीं है और उसको बैठे रहने देना है लेकिन घर वालों का कहना ये था कि सांप लगातार निकल रहा है और जिसके करीब 4-5 को इन लोग मार चुके थे और क्या डर का विषय था इसलिए लगातार मार रहे थे। मैंने उनको मना किया कि भाई मारेंगे नहीं और वहाँ से फिर हम पूरे कोरबा से पूरी टीम के साथ हम निकले और गांव पहुँच के करीबन 7 से 8 घंटे का जो रेस्क्यू रहा क्योंकि उसके लिए पूरे घर को तोड़ना पड़ा क्योंकि सांप बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता वो कोबरा के बच्चे थे और ऐसा लगा प्रतीत हुआ कि कहीं आसपास में ही दीवार के किनारे या जमीन किनारे वो अंडा दे के कहीं निकल गई होगी तो उसके बाद से फिर हम लगातार उसको ढूंढे निकालने का प्रयास किए लेकिन माँ तो नहीं मिली और फीमेल नहीं मिलने के बाद फिर हम बच्चे काफ़ी सारे मिले करीबन 1 दर्जन के ऊपर थे और हमने उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया। इसकी वजह से जो घर वालों का जो डर था वो खत्म हुआ और निश्चित ही एक अच्छा काम रहा क्योंकि घर वाले के एक बड़ा हादसा हो सकता था और उसमें से कुछ सांप खत्म भी हो गए थे और इस तरीके से हमने सुरक्षित गांव वालों को समझाइश देते हुए कि आगे भी इस तरह के सांप को ना मारें बारिश का समय है आप लगातार सचेत रहें सावधान रहें इस तरीके से हमने रेस्क्यू करके सुरक्षित घर वालों को सुरक्षित किया और साथ ही साथ हमने सांपों को भी सुरक्षित किया।